हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मोस्टली मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होती है और मैंने ब्रश कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहला काम होता है मेरा दवाई लेना। तो यहाँ दवाई लेने के लिए यहाँ मैं रख रही हूँ गर्म पानी कैटल में गर्म होने के लिए। और अभी तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है तो उस वजह से हम ठंडा पानी मुंह में बिल्कुल भी डाल ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ कैटल में मैं अपना गर्म पानी करके ग्लास भर के ले लूँगी और उसी के साथ में ही मैं अपनी थायराइड की टैबलेट लूँगी। तो चलिए यहाँ पानी गर्म हो चुका है तो ले लेती हूँ अभी मेरे ग्लास में। और साथ में ही मैं किचन में ही रखती हूँ मेरी थायराइड की टैबलेट। तो चलिए अब मैं अपनी दवाई लेकर के जा रही हूँ विंडो में बैठने के लिए और वहाँ पर ही मैं अपना गर्म पानी और दवाई लूँगी। तो चलिए आपको भी बाहर के नज़ारे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सुबह सुबह कुछ इस तरह से रहता है और पूरी रात वैसे तो चहल पहल रोड पे रहती ही है। और अभी देखिए सूरज देवता तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है लेकिन चंदा मामा बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ और इतनी ठंडी है कि आप बाहर देख सकते हैं बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी है वही लोग निकल रहे हैं और सुबह 6 बजे के बाद में बच्चों की स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ऑफिस जाने के लिए लोग भी दिखने लगते हैं। तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी और अपना पानी वानी पीऊँगी और उसके बाद में लग जाऊंगी अपने सुबह के काम पर। तो चलिए फिर मैं आपको सारे काम ख़त्म करने के बाद में लंच की तैयारी में मिलती हूँ। तो चलिए अब मैं बनाने लगी हूँ लंच। तो लंच में बनाने वाली हूँ आज हरी मिर्च भर करके। तो ये है हरी मिर्च जो कम तीखी आती है और अभी ठंडी में तो इस तरह की हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो उसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और अच्छे से पोंछ करके तैयार कर लिया है। तो चलिए उसे सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ कट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके डंठल का पोर्शन जो है वहाँ से उसको कट कर देना है और इस तरह से चाकू की सहायता से आपको अंदर के सारे बीज निकाल देने हैं जिससे वो बिल्कुल भी तीखा ना लगे। और ये है दूसरी तरह से, आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। साइड पे आप कट लगा के सारे बीज इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है जिस सिस्टम से करना बस उस तरह से सारे मिर्ची कट करके तैयार कर लेंगे। मुझे पर्सनली साइड से कट करके ही जमता है तो बस यहाँ मैं डंठल कट करके साइड से कट करके सारे के सारे बीज मैं निकाल करके तैयार कर दूंगी। सारे मिर्चियों को हम रेडी कर देंगे और ये बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक सारे ही ये मिर्ची खा सकते हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं आती है और इसे भर कर बनाएंगे। तो चलिए सारी मिर्ची सबसे पहले मैंने कट कर ली है तो उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने चॉपिंग जार में ले लिया है मैंने 4 से 5 कली लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्च जिसे हम बारीक चॉप करके तैयार करेंगे। और अब मैं तैयार कर रही हूँ मिर्ची का मसाला। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है भुना हुआ बेसन। आप सिंपल वाला बेसन भी ले सकते हैं लेकिन अगर भुना हुआ लेंगे तो बहुत ही जल्दी से मिर्ची अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ भुना हुआ बेसन लिया है मैंने 2 से 2.5 चम्मच। आप पापड़ी भी ले सकते हैं तली हुई, उसे भी आप मिक्सी जार में चला करके ले सकते हैं। उसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 चम्मच जितना तिल
और उसके बाद में यहाँ हमने लहसुन और हरी मिर्च की जो चॉपर में चॉप करके रखे थे बस उसको भी हम मिला देंगे। और उसके बाद में हम मिलाएंगे इसमें धनिया के डंठल कट करके छोटे टुकड़ों में, उसे भी ऐड करेंगे। और उसके बाद में कर देंगे हम कुछ एक पाउडर मसाले। तो यहाँ हाफ चम्मच से थोड़ी कम मैंने हल्दी पाउडर मिलाया है, तकरीबन एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है और गरम मसाला पाउडर मिलाया है हाफ चम्मच, और हाफ ही चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर मिलाया है। हींग मिलाई है मैंने 1/4 चम्मच, बहुत ही ज़रूरी है जिससे गैस ना हो। और 1 चम्मच भर के मैंने आमचूर पाउडर मिलाया है, और 1 से 1/2 चम्मच जितना हम चाट मसाला पाउडर भी यहाँ ऐड करेंगे, और नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। और इतनी हमने खटास मिलाई है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें शुगर मिलाएंगे तकरीबन 2 चम्मच, और शुगर मिला देने के बाद में हम इसमें मिलाएंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन 2 चम्मच मोइन के लिए हम डालेंगे, मोइन के लिए हम तकरीबन 2 चम्मच जितना तेल मिलाएंगे। और उसके बाद में हम मिलाएंगे इसमें काला नमक। काला नमक मिलाया है मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद में हम मिलाएंगे इसमें धनिया, कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे और उसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हो चुका है तैयार, तो बस इसे हम हाथों से अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और मिर्ची में हम अच्छे से भर देंगे। और मिर्ची में हल्के हल्के हाथों से ही हमें मसाला भरना है, बहुत दबा करके मसाला नहीं भरना है। तो यहाँ देखिए मैंने जिस तरह से कट की है उसमें मैं बहुत इजी वे से मसाला भर सकती हूँ, और मैंने इस तरह से जो मिर्ची कट करी है ऊपर से बस उसे इस तरह से आपको भरना होगा। मुझे पर्सनली साइड कट की हुई मिर्ची में मसाला भरना बहुत ही इजी लगता है, आपको जो भी इजी वे से लगता है बस उसी तरह से आप मिर्ची कट करके उसमें मसाला भर दीजिए। तो चलिए यहाँ सारी मिर्ची फटाफट से भर कर तैयार कर दूँगी। यहाँ सारी मिर्ची भर करके तैयार हो चुकी है, और यहाँ 3 मिर्च जो है उसमें मसाला मैंने नहीं भरा है, मसाला ख़त्म भी हो चुका है। तो इन 3 मिर्चों को मैं लंबे लंबे टुकड़ों में मैं कट कर दूँगी, और मैंने जानबूझ के मसाला थोड़ा कम ही बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्ची कट की हुई मसालों के भरे हुए मिर्च के साथ में अच्छी लगती है खाने में। तो बस इस तरह से मैं 3 मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर दूंगी। तो यहाँ देखिए मिर्च भरी हुई मिर्च भी तैयार है और कटी हुई मिर्च भी तैयार है, तो इन दोनों की सब्जी हम साथ में बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से अब हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पैन को हम गरम करने रखेंगे, और उसमें ले लेना है तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, यहाँ आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और उसके बाद में हम मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच राई और 7 से 8 मेथी दाना और 1 चम्मच जीरा, और इसे हम अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। और अच्छे से स्प्लैटर हो जाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे तकरीबन 1 चम्मच जितनी सौंफ, आप यहाँ सौंफ कलौंजी भी मिला सकते हैं सौंफ के साथ में, मैंने कलौंजी यहाँ नहीं मिलाई है, सिर्फ मैंने 1 चम्मच सौंफ मिलाई है। और सौंफ को भी अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद में मिला देंगे हम 1/4 चम्मच जितने हींग, और साथ में हम मिलाएंगे हल्दी पाउडर, धनिया और कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला करके ली है मैंने तकरीबन 1/2 चम्मच जितनी सा, और डाल देंगे हम कुछ करी लीव्स। और उसके बाद में हमने जो कट करके मिर्ची रखी है सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे, और जो भरी हुई मिर्च तैयार की है उसे भी हम एक एक करके इस तरह से लाइन अप करेंगे। और अब चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से हम सारी मिर्चों को अच्छे से तेल में मिला देंगे, और बहुत ही ये भरी हुई मिर्च जो है उसे अलट पलट कर देंगे तेल में, जिससे अच्छे से ऊपर से नीचे अच्छे से वो पक के तैयार हो और मसाला भी बाहर निकले ना और अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और 2 से 3 मिनट होते ही हम फिर से इसे पलट देंगे मिर्चियों को।
और बस मिर्चों को हमें पलटते हुए अच्छे से पका देना है। और यहाँ हमने बुना हुआ बेसन लिया है, तो बहुत ही जल्दी से मिर्ची तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मिर्ची को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं 2-3 बार इसे मैंने पलटाया है। और यहाँ पलटते हुए आप देख सकते हैं मिर्ची बहुत अच्छे से पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। और ये बच्चों से लेके बड़ों तक की ये मिर्ची बहुत ही फेवरेट होती है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और यहाँ आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाओगे, इतनी टेस्टी ये हरी मिर्च बनती है। आप अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आप अगर भर के मिर्ची बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिर्ची यहाँ तैयार हो चुकी है, तो मैंने उसे उसमें डाल दिया है कटा हुआ धनिया और कर देंगे हम अच्छे से एक मिक्स। तो चलिए, मिर्ची हो चुकी है तैयार, तो फटाफट से लंच की थाली लगा देते हैं। खाना मेरा बन चुका है, तो चलिए यहाँ मैंने लगा दी है लंच की थाली और सबने खाना खा लिया है। अब मैं बैठ रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ आप मेरी थाली में देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी और साथ में ही मैंने बनाई है फ्लावर और आलू की सब्जी और हरी मिर्च जो मैंने आपके साथ में सब्जी शेयर की है, और मैंने बनाई थी चटनी और दाल और चावल। बहुत ही सिंपल सी थाली है लेकिन बहुत ही फटाफट और झटपट बन जाती है। आप अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और मिर्ची की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।